जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सवां रिवर के ऊपर खड़े हैं और ये जो पीछे आपको जगह नज़र आ रही है, अगर आप मेरे हाथ की लाइन में देखें तो ये सवां दरिया आ रहा है जो कि कोटा की तरफ से फ्लो करता आ रहा है। और अगर थोड़ा सा आप लेफ्ट चले जाएं तो यहाँ फिर आपको कुरंग रिवर नज़र आ रहा है जो आप समझें कि लोई भेर और इस इलाके में से गुजरता हुआ इसको ज्वाइन करता है। और अगर आप इस तरफ आप देखें, अक्रॉस दी ब्रिज देखें, तो ये जो सफ़ेद गश करता हुआ जो दरिया बह रहा है ये लई नाला है। ये वो जगह है जहाँ साफ सुथरे पानी के साथ गलाजतें मिलती हैं। तो ये यहाँ से हमारी नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और ये सवां जो है ये बड़ा किसी वक्त बहुत अच्छा साफ़ सुथरे पानी का एक ज़रिया था जहाँ साफ पानी आता था। और मैं खुद इस सवां में नहाया हूँ, मगर आज हमने इसकी डिस्ट्रक्शन कर दी है, हमने इसको तबाह कर दिया है और आज ये नहाने के क्या हाथ धोने के काबिल नहीं रहा। तो आइए सब मिल के आएँ, पौधे लगाएँ और अपनी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ही जो है वो पाक साफ़ चीज़ें हैं, इनको प्रिजर्व करें और इनको आलूदगी से बचाएं। क्योंकि ये जो आलूदगी है इसी के किनारे पे वासा भी पानी पंप करता है, इसी के किनारे से बैरिया भी पानी उठाता है, इसी से जो है वो DHA भी उठाता है। तो जो आप अपने घरों से चीज़ें फ्लश आउट करते हैं वो ये सिस्टम जो है वो अगली रात को आपके घरों में दोबारा इसको पम्प इन कर देता है। बाहर निकलें, अपनी पानी की रिसोर्सेज को बचाएँ, दरख्त लगाएँ और आपकी इन्वायरमेंट को बचाएँ। बहुत शुक्रिया।